हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पाई स्टडी सर्कल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन यानी कि आधुनिक आवर्त वर्गीकरण के बारे में। जो आज हम बात करेंगे आधुनिक आवर्त वर्गीकरण को, जो आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है ये आपकी क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 6 का है, उसके आगे का पोर्शन है। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर हमने बात की थी एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों होती है, ठीक है। जैसे कि आपका चैप्टर का ही नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनको क्लासिफाई करने की क्यों जरूरत है, ठीक है। किस किस साइंटिस्ट ने किस किस तरीके से एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था, ठीक। उसके अंदर हमने डोबे राइनर ट्रायड पढ़ा था, ठीक है। उसके अंदर हमने पढ़ा था मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी, उसके अंदर हमने न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पढ़ा था। तो ये सारे टॉपिक जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर कवर किए थे, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है और अगर आप देखना चाहते हैं तो उनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम जो पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन यानी कि आधुनिक आवर्त वर्गीकरण के बारे में, जो आज हम बात करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है हमें, मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन यानी कि आधुनिक आवर्त वर्गीकरण हमें दिया हुआ है। इसके अंदर जो एलिमेंट्स अरेंज है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कौन सी होती है पहले वही दिखा देता हूं मैं आपको। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये वाली, ठीक है, जो हमारी किताबों के अंदर दी हुई, जो आपकी NIOS की बुक के अंदर दिया हुआ है ये टेबल है, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है, ठीक। इसमें जो एलिमेंट्स अरेंज है इनका क्लासिफिकेशन पढ़ना है हमें। इसके अंदर जो एलिमेंट्स अरेंज है किस तरीके से अरेंज किए गए हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है, ये जो है आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसी को कहा जाता है मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन या फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी इसी को कहते हैं, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं, इसमें हिंदी में कहा जाता है इसको आधुनिक आवर्त वर्गीकरण, ठीक। तो ये क्लासिफिकेशन किसने दिया था, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेनरी मोजले। क्या था, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है हेनरी मोजले। इन्होंने 1913 के अंदर एक बात कही कि जो एटॉमिक मास है वो ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एज कंपेयर टू इट्स एटॉमिक मास, यानी कि जो एटॉमिक नंबर है वो ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किससे, एटॉमिक मास से ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये बात किसने कही थी, ये बात कही थी हेनरी मोजले ने, एक साइंटिस्ट है, ठीक है। कब कही थी, 1913 में कही थी, ठीक। इससे पहले जो तीन साइंटिस्ट थे, डोबे राइनर थे, जॉन न्यूलैंड थे या फिर मेंडलीव्स थे, ठीक है, इन तीनों ने क्या किया था, इन तीनों साइंटिस्ट ने जो एलिमेंट्स को अरेंज किया था उनके एटॉमिक मास के बेसिस पर अरेंज किया था, उनके एटॉमिक मास को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था और उसके हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज किया था, ठीक है, तीनों साइंटिस्ट ने। लेकिन जो हेनरी मोजले हैं इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था एलिमेंट्स का, किसके हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज किया था, इन्होंने एटॉमिक नंबर के हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज किया था। और इन्होंने एक बात कही थी कि जो एटॉमिक नंबर है एलिमेंट्स के, जो एटॉमिक नंबर है वो ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एटॉमिक मास है, ठीक है। ये बात हिंदी में लिखी हुई कि आधुनिक आवर्त वर्गीकरण क्या है, कि एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है हेनरी मोजले, ठीक है, 1913 में उन्होंने कहा था कि जो परमाणु द्रव्यमान नहीं बल्कि परमाणु संख्या तत्वों का सबसे मौलिक गुण है, यानी कि क्या है, जो परमाणु संख्या है ना वो ज्यादा मौलिक गुण है किससे, परमाणु द्रव्यमान से। किसने कही थी, ये जो हेनरी मोजले ने कहा था, कब कहा था, 1913 में, 1913 में उन्होंने ये बात जो है कही थी, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। और इस एटॉमिक नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से, जो इस एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक तत्व का परमाणु क्रमांक उस परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या है, ठीक है। मतलब कि परमाणु संख्या को कैसे पता लगा सकते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, तो किसी भी तत्व के नाभिक में जितने प्रोटॉन मौजूद होते हैं, ठीक है, जितने प्रोटॉन मौजूद होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उन्हीं प्रोटॉनों की संख्या को हम परमाणु की संख्या यानी कि परमाणु क्रमांक कहते हैं। और इसको हम किससे दिखाते हैं, जेड से दिखाते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कोई एलिमेंट है उसके न्यूक्लियस के अंदर, ये एक एलिमेंट है, इसका ये न्यूक्लियस है, इसके न्यूक्लियस के अंदर 17 प्रोटॉन मौजूद है, क्या है, 17 प्रोटॉन मौजूद है। इसका मतलब क्या है कि जो उसका एटॉमिक नंबर होगा ना, जो इसका परमाणु संख्या होगी वो कितनी होगी, वो 17 होगी। क्यों, क्योंकि जिस भी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन मौजूद होते हैं उतनी ही उसकी क्या होती है, परमाणु संख्या होती है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, फिर आगे क्या है, आगे है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ यानी कि आधुनिक आवर्त नियम, ठीक। इसमें लिखा हुआ है, ये लॉ आपको याद होना चाहिए, पेपर में पूछा जाता है, ठीक है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो आपको एज इट इज यही डेफिनेशन जो आपको लिख करके आनी है, ठीक। क्या दे रखा है यहाँ पर लॉ, दिस लॉ स्टेट्स दैट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इससे पहले हमने एक और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ा था, वो था मेंडलीव्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, मेंडलीव का आवर्त वर्गीकरण। उसके अंदर उन्होंने क्या बात कही थी, उन्होंने कहा था कि जो एलिमेंट्स की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी है ना, वो उनके एटॉमिक मास की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, उनके एटॉमिक मास की पीरियोडिक फंक्शन है। मतलब कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक मास को अरेंज कर देंगे तो क्या होगा,
उसके अंदर क्या होगा कि एक टाइम के बाद क्या होगा, सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स फिर से रिपीट जो है होने लग जाएंगे, ठीक है। लेकिन इस ये लोग क्या कहता है, मॉडर्न पीरियोडिक लोग क्या कहता है, हमारा आधुनिक आवर्त नियम क्या कहता है, ये नियम ये कहता है कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करेंगे तब हमें क्या होगा, एक फिक्स टाइम के बाद जो सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स होंगे वो वापस जो है मिलने लग जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है, दिस लॉ स्टेट्स दैट द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, यानी कि जो एटॉमिक नंबर है ना वो उनके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी का क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है ये हमें लास्ट क्लास में आपको बताया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे हिंदी में दे रखा है आधुनिक आवर्त नियम क्या होता है, इस नियम के अनुसार तत्वों के मौलिक और रासायनिक गुणधर्म क्या है, तत्वों के मौलिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन का मतलब क्या है कि एक टाइम के बाद फिर से चीजों का रिपीट होना क्या होता है, आवर्ती फलन जो है होता है, इसका मतलब होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे दे रखा है फीचर्स क्या क्या, क्या क्या गुण है, क्या क्या गुण है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्या क्या गुण है। तो सबसे पहला है ग्रुप, आगे दूसरा आता है हमारे पास में पीरियड। तो जो हमारी टेबल है, हमारे जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर कितने ग्रुप है, 18 तो ग्रुप है, और कितने पीरियड है उसके अंदर, 7 जो है पीरियड है, कितने पीरियड है 7, यानी कि 7 जो है हमारे पास में पीरियड है, ठीक है। समूह कितने हैं 18 है, ठीक। और जो आवर्त है, आवर्त यानी कि क्षैतिज पंक्तियां कितनी है हमारे पास में, 7 जो है क्षैतिज पंक्तियां हैं, ठीक है। देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम्स इन पीरियोडिक टेबल, इस तरीके से 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं, इस तरीके से खड़े डंडे हैं 18, ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, इनको हम ग्रुप कहते हैं, यानी कि हिंदी में समूह कहते हैं, ठीक। और हर एक वर्टिकल कॉलम को क्या कहा जाता है, ग्रुप कहा जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। आवर्त सारणी में 18 क्या है, खड़े स्तंभ, इस तरीके से खड़े हुए खंभे हैं, उनको क्या कहते हैं, आवर्त सारणी के अंदर समूह कहते हैं, और कितने हैं वो 18 है, ठीक। और इन खंभों को क्या कहा जाता है, समूह कहा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे देखा, देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज, इस तरीके से लेटी हुई लाइनें हैं, वो कितनी है, वो 7 है, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है, उनको पीरियड कहा जाता है, ठीक है। तो आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। तो क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहते हैं, और आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त है, ठीक। और खड़े स्तंभों को हम क्या कहते हैं, समूह कहते हैं, यानी कि ग्रुप कहते हैं। और पीरियोडिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने ग्रुप्स हैं, 18 जो उसके अंदर ग्रुप्स हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कैमरे के अंदर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक 18 तक क्या है ये, इस तरीके से जितने भी है ये सारे के सारे, इस तरीके से जो खड़े स्तंभ है, ठीक है, ये सारे के सारे जो खड़े स्तंभ है ये सब क्या है, ये सब हमारे समूह है, यानी कि ये सब क्या है, ग्रुप्स है, ठीक है। और फिर इस तरीके से जो आपको लाइनें दिख रही है, ये वाली, ठीक है, ये कितनी है, ये 7 है टोटल, कितनी है, ये 7 है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो इस तरीके से जो लेटी हुई लाइनें दिख रही है कितनी है, 7 है। इनको क्या कहा जाता है, इनको पीरियड कहा जाता है, क्या कहा जाता है इनको, इनको जो है पीरियड कहा जाता है, यानी कि आवर्त जो है इनको कहते हैं, क्या कहते हैं, इनको आवर्त कहते हैं। और इसके इस तरीके से जो खड़े खड़े से जो डंडे हैं, खड़े खड़े से जो समूह हैं, इनको समूह कहते हैं, यानी कि ग्रुप कहते हैं। इनको क्या कहते हैं हम, इनको ग्रुप कहते हैं, यानी कि हिंदी में क्या कहते हैं, इनको हम समूह कहते हैं। और ये कितने होते हैं, 18 जो है ये होते हैं, ठीक है। इतना तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो अभी आपने पढ़ लिया है फिर, ठीक है। फिर इसके बाद आगे है, आगे दे रखा टाइप्स ऑफ एलिमेंट। अब ये जो हमारी जो पीरियोडिक टेबल है, ये जो पीरियोडिक टेबल है इसके अंदर किस किस तरीके के एलिमेंट्स है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे हमने पिछले चैप्टर्स के अंदर पढ़ा है जो एलिमेंट्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं उनको बेसिकली 3 जगह डिवाइड किया गया है, ठीक है। 3 जगह डिवाइड किया गया है, पहला होता है हमारे पास में मेटल, दूसरा होता है हमारे पास में नॉन मेटल, ठीक है, और तीसरा होता है हमारे पास में मेटलॉइड। तीसरा क्या है हमारे पास में, मेटलॉइड। पहला होता है हमारे पास में धातु, ठीक, फिर होते हैं हमारे पास में अधातु, फिर उसके बाद हमारे पास में आते हैं उपधातु। तो जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो उसके अंदर जो एलिमेंट्स जो तत्व हैं उनको 3 जगह बांटा गया है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स, यानी कि धातु, अधातु और उपधातु। इन 3 जगहों में क्या कर रखा है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बांटा हुआ है, ठीक है। किधर किधर किस किस एलिमेंट्स को रखा है, मेटल किस तरफ है, नॉन मेटल किस तरफ है और मेटलॉइड किस तरफ है, धातु, अधातु, उपधातु, ये तीनों किस किस तरफ है आधुनिक आवर्त सारणी में वो हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला आता हमारा मेन ग्रुप, सबसे पहला क्या था हमारा, सबसे पहले आता है हमें जो पढ़ना है, सबसे पहले हमें पढ़ना है मेन ग्रुप के बारे में, यानी जिसको हम कहते हैं मुख्य वर्ग तत्व। तो मेन ग्रुप एलिमेंट कौन से हैं, तो ऐसे एलिमेंट जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में है, ठीक है, और ग्रुप 13 और ग्रुप 17 के अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, वो है मेन ग्रुप। उनको हम क्या कहते हैं, मेन ग्रुप एलिमेंट्स जो है उनको कहा जाता है। कौन कौन से ग्रुप को, जो ग्रुप 1 और 2, 13 और 17 में जो तत्व मौजूद हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनको मेन ग्रुप से एलिमेंट जो है कहते हैं, ठीक है। जैसे कि ये रहा पहला ग्रुप और ये रहा दूसरा ग्रुप, ठीक है। तो इनके अंदर जो जो तत्व मौजूद होंगे, जैसे कि हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है,
ठीक है, रूबिडियम है, सीजियम है और फ्रांसियम है, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे पहले ग्रुप के अंदर आ रहे हैं, और ये वाला ठीक है, ये सब जो है ये दूसरे ग्रुप के अंदर आ रहा था, जो पहले और दूसरे ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट है, और जो है हमारा तेरहवां ग्रुप, जो हमारा तेरहवां ग्रुप है और सत्रहवां ग्रुप, इनके अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं इनको क्या कहा जाता है, इनको मेन ग्रुप एलिमेंट जो है कहा जाता है, ठीक है, यानी कि मुख्य तत्व वर्ग जो है इनको कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे ये दे रखा है यहाँ पर, मुख्य तत्व वर्ग कौन से होते हैं, तो आवर्त सारणी के वर्ग एक और दो में बाईं ओर मौजूद तत्वों और तेरह और सत्रह में दाईं ओर मौजूद तत्वों को मुख्य वर्ग तत्व कहा जाता है, यानी कि जो तत्व ग्रुप एक और दो में है और तेरह और सत्रह में, इन चार ग्रुप में जो तत्व है उनको हम क्या कहते हैं, मुख्य वर्ग तत्व जो है इनको कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आगे देखा नोबल गैसेस, ठीक है, नोबल गैसेस, ठीक है, तो जो सबसे लास्ट में मौजूद है, ठीक है, ये वाले, ये जो है ना अठारह में लास्ट वाला जो है, लास्ट वाली जो है, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम नोबल गैस कहते हैं, क्या कहते हैं, इनको हम नोबल गैस कहते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कि ये सारे के सारे कैसे होते हैं, गैस ही है, ये सारे के सारे एलिमेंट्स कैसे हैं, गैस हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, नोबल गैस कहा जाता है। किनको कहा जाता है, जो अठारहवें ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट मौजूद है उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम नोबल गैस कहते हैं, ठीक है। चलिए ये दे रखा है यहाँ पर कि नोबल गैस किसको कहते हैं, ग्रुप 18 ऑन एक्सट्रीम राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल कंटेन्स नोबल गैस, यानी कि ग्रुप 18 के अंदर कौन से एलिमेंट्स आते हैं, नोबल गैसेज आते हैं, जो ग्रुप 18 के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं, वो नोबल गैस उनको जो है कहा जाता है, ठीक है। आवर्त सारणी के वर्ग 18 के दाईं ओर उत्कृष्ट गैस मौजूद है, यानी कि वर्ग 18 में कौन से तत्व मौजूद है, उत्कृष्ट गैसें मौजूद हैं, क्या मौजूद है, उत्कृष्ट गैस मौजूद है, ठीक है। चलिए आगे इनकी प्रॉपर्टी दे रखी है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि दे हैव एट इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल्स एक्सेप्ट हीलियम, ठीक है। हीलियम एक ऐसा तत्व है जिसके आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, बाकी इस हीलियम को छोड़ के सारे, जैसे कि नियोन है, ठीक है, जैसे कि आर्गन है, ठीक है, इस तरीके के जितने भी एलिमेंट्स हैं जो किसके अंदर आते हैं, जो आते हैं नोबल गैस के अंदर, उन सबका जो पीरियोडिक जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा रहता है, कंप्लीट रहता है, यानी कि जो लास्ट जो शेल रहती है इनकी कैसे रहती है, कंप्लीट रहती है, इनके लास्ट शेल में 8 जो इलेक्ट्रॉन मौजूद रहते हैं, किसको छोड़ के, हीलियम को छोड़ के, ठीक है। बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं ना, यहाँ से लेके यहाँ तक के ये वाले जो सारे एलिमेंट्स हैं, इनके सबसे आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, ठीक है, ये सबसे पहली बात ये, ठीक है। और क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, इसलिए इनको किसी के साथ में रिएक्शन करने की जरूरत नहीं होती, तो इसलिए इस ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट मौजूद होते हैं उनको हम इनर्ट गैस भी कहते हैं, क्या कहते हैं, इनर्ट गैस भी इनको जो है कहा जाता है, यानी कि उत्कृष्ट गैस भी जो है इनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इनको हम उत्कृष्ट गैस भी जो है इनको कहते हैं, ठीक है। चलिए ये तो यहाँ पर दे रखा है, देखिए यहाँ पर ये दे रखा है यहाँ पर कि दे हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल, तो इनके जो नोबल गैस होती है उनके क्या होते हैं, उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन उनके सबसे बाहर वाले शेल में होते हैं, एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम को छोड़ के, क्यों, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसलिए, ठीक है। सबसे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक, हीलियम के अलावा इसके हीलियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम के अंदर होते हैं। इनकी वैलेंसी कैसी रहती है, इनकी वैलेंसी 0 रहती है, ठीक है, सारे एलिमेंट्स की, जो 18 के अंदर जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उन सारे एलिमेंट्स की, यानी कि नोबल गैसेस की वैलेंसी कैसी रहती है, 0 रहती है। इनकी संयोजकता कैसी होती है, 0 जो इनकी संयोजकता होती है, ठीक है। आगे देखा, दे डू नॉट रिएक्ट एंड सो आर ऑलमोस्ट इनर्ट, ये कैसे होते हैं, रिएक्ट नहीं करते, क्यों, क्योंकि इनके ऑलमोस्ट, इनके जो लास्ट जो शेल होती है उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको ना तो इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत होती है और ना ही देने की जरूरत होती है, इसलिए ना ये रिएक्शन करते ही नहीं है, ये कैसे होते हैं, इनर्ट रहते हैं, ठीक है, ये निष्क्रिय होते हैं, यानी कि अभिक्रिया ये नहीं करते हैं, ठीक। आगे देखा, ऑल मेंबर आर गैसेज, और उस ग्रुप एलिमेंट के अंदर, ग्रुप 18 के अंदर जितने भी एलिमेंट मौजूद है वो कैसे होते हैं, सारे के सारे गैस हैं, क्या है, गैस हैं, ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस होता है ना, तो वैसे ही, तो 18 के अंदर जितने भी एलिमेंट मौजूद है वो सब के सब किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म के अंदर है, ठीक है। तो ये है प्रॉपर्टी किसकी, नोबल गैस की ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे दिया हुआ ट्रांजिशन एलिमेंट, जिनको हम संक्रमण तत्व कहते हैं, ठीक है। तो संक्रमण तत्व कहाँ से, 3 से लेके 12 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं, 3 से लेके 12 तक, तीसरे ग्रुप से लेके 12वें ग्रुप तक जितने भी एलिमेंट्स के अंदर आते हैं, ये सारे के सारे कैसे हैं, ये सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, यानी कि संक्रमण तत्व जो है ये सब के सब है, कहाँ से लेके, यहाँ से लेके कहाँ तक, यहाँ तक, ये जो सारे एलिमेंट्स हैं इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं, ये सारे के सारे कैसे हैं, ये सारे के सारे जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, कैसे, ये सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है ये सारे हैं, ठीक है, ये जितने भी एलिमेंट्स इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये सारे कैसे हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, क्यों, क्योंकि ये तीसरे ग्रुप से लेके 12वें ग्रुप तक हैं, और तीसरे ग्रुप से लेके 12वें ग्रुप तक जितने भी एलिमेंट्स आएंगे इन ग्रुप्स के अंदर, इनको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी कि संक्रमण तत्व जो इनको कहते हैं, ठीक है, ये यहाँ पर दिया हुआ है।
देखो यहाँ पर देखा ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से थे, मिडिल ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल ग्रुप 3 to 12, जो बीच का जो ब्लॉक है पीरियोडिक टेबल का 3 से लेके 12 तक जिसमें ग्रुप आते हैं, ठीक, उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स उनके अंदर होते हैं, ठीक है। आवर्त सारणी में वर्ग 13 से 12 के बीच ब्लॉक संक्रमण तत्व है, 13 से 12 के जितने भी वर्ग उन सभी वर्गों में कौन से तत्व है, संक्रमण तत्व जो उनके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। इनकी क्या विशेषता, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये पेपर में पूछ ले जाते हैं, ठीक है। तो याद होने चाहिए नोबल गैस के भी और इनके भी, ठीक है। तो ऑल दीज एलिमेंट्स आर मेटल्स एंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, मेटल्स हैं, कैसे हैं, वो सारे मेटल्स हैं, और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, हाई है। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, हाई है, ठीक है। क्योंकि ये मेटल है तो इनका जो कंडक्टिविटी होगी करंट के थ्रू और हीट इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू कैसी रहेगी, हाई रहेगी, यानी कि कैसे रहेंगे, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बहुत जल्दी से गर्म भी हो जाएंगे, हीट भी बहुत आसानी से पास हो जाएगी, और कैसे होंगे, करंट भी बहुत जल्दी से इनके बहुत आसानी से इनके अंदर से पास हो जाएगा। तो ये क्या रहेंगे, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर रहेंगे, ठीक है। ऊष्मा तथा विद्युत के क्या रहेंगे, ये सुचालक जो है रहेंगे, ठीक है। ये सभी तत्व धातु है, क्या ये सब तत्व धातु है, और इनका जो गलनांक है और जो क्वथनांक है वो कैसा होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है, बहुत ज्यादा उच्च जो है होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे दिया हुआ है हमें सम ऑफ दीज एलिमेंट्स, आगे इनकी प्रॉपर्टी है, सम ऑफ दीज एलिमेंट्स गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट। इनमें से कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि मैग्नेट की तरफ, चिपक की तरफ क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, आकर्षित जो है हो जाते हैं, ठीक है। आगे देखा, मोस्ट ऑफ दीज एलिमेंट्स आर यूज्ड एज कैटलिस्ट, काफी सारे इनमें से एलिमेंट्स होते हैं जो कैटलिस्ट के तौर पर जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं जो किसी रिएक्शन की स्पीड को या तो कम कर देते हैं या ज्यादा कर देते हैं। जब इनको किसी रिएक्शन के अंदर डाला जाता है तो ये खुद रिएक्ट नहीं होते, ये उसकी स्पीड को कम या ज्यादा कर देते हैं, ठीक है। ये खुद रिएक्ट नहीं होते उस रिएक्शन के अंदर, तो ज्यादातर एलिमेंट्स को क्या होता है, कैटलिस्ट के तौर पर जो इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इनमें से अधिकांश तत्व उत्प्रेरक के रूप में उपयोग जो है किए जाते हैं, ठीक है। आगे तरह का, दे एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंसीज, इनकी वैलेंसी क्या होती है, चेंज होती रहती है, अलग अलग वैलेंसी दिखाते हैं, ठीक है। ये विभिन्न संयोजकताएं दिखाते हैं, सारे तत्व कैसे होते हैं, वेरिएबल वैलेंसी जो शो करते हैं, विभिन्न संयोजकताएं जो दिखाते हैं, ठीक। आगे हमें दे रखा है, आगे हमें दिया हुआ मेटल्स और नॉन मेटल के बारे में, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था एलिमेंट 3 जगह बांटे हुए, मेटल 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 नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं मेटल्स के बारे में, तो मेटल्स आर प्रेजेंट इन द लेफ्ट हैंड पोर्शन ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो लेफ्ट साइड पर क्या प्रेजेंट है, मेटल प्रेजेंट है, ठीक। तो धातु आवर्त सारणी के बाएं हाथ की ओर है, ठीक। नॉन मेटल कहां पर होता है, नॉन मेटल राइट साइड पर है। अगर मेटल कहां पर है, लेफ्ट साइड पर है, तो नॉन मेटल कहां होंगे, राइट साइड पर होंगे। कहां पर होंगे, राइट साइड पर होंगे, यहां पर दे रखा है। अगर धातु जो है बाएं ओर है, तो जो अधातु होंगे वो किधर होंगे, दाएं ओर होंगे। ये बात यहां पर लिखी हुई, अधातु आवर्त सारणी के दाएं हाथ की ओर मौजूद है, ठीक है। चलिए इतना समझ में आ गया है, आगे चलते हैं, ठीक। आगे देखा, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज, गुणों में आवर्त गुणों में आवर्त प्रवृत्ति, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहला दे रखा है, एलिमेंट्स इन ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पर ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, और ये भी एक ग्रुप है, यानी सारे के सारे क्या है, समूह, ठीक है। तो इस ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट मौजूद हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं, इन सब की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो कैसे रहेंगे, सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, सबका सेम रहेगा। जैसे हाइड्रोजन का नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, एक, ठीक है। लिथियम का भी एक, सोडियम का भी एक, पोटेशियम का भी एक, रुबिडियम का भी एक, सीजियम का भी एक, ठीक है, और फ्रांसियम का भी एक। तो इन सबके क्या है, सबके जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो क्या है, सेम है। तो एक ग्रुप के अंदर जितने एलिमेंट मौजूद होते हैं उन सभी एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी रहती है, सेम रहती है, ठीक है। ये बात यहाँ पर लिखी हुई है, ये बात यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है कि एलिमेंट्स इन अ ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो एक ग्रुप के अंदर जितने भी तत्व, जितने भी एलिमेंट मौजूद होते हैं, उनका जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है वो कैसा रहता है, सेम रहता है, यानी कि समान रहता है, एक जैसा रहता है, ठीक है। एक ही वर्ग समूह के तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी रहती है, समान रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे दिया हुआ है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज एज वी गो डाउन द ग्रुप, लेकिन इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहता है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहती है, लेकिन जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं ना, ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, तो क्या होता है, नंबर ऑफ शेल बढ़ने लग जाता है, क्या हो जाता है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने लग जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन का एक है, ठीक, तो लिथियम का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। फिर सोडियम का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके नीचे जाएंगे तो पोटेशियम का कितना हो जाएगा, पोटेशियम का 4 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते रहते हैं, और क्योंकि इनके नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या होता है, इनका साइज भी जो है बढ़ जाता है। तो जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज एज वी गो डाउन द ग्रुप, जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स तो बढ़ते ही बढ़ते हैं, लेकिन उनका क्या होता है, साइज भी साथ में क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, यानी कि साइज भी बढ़ जाता है। साइज क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ
सेल्स बढ़ रहे हैं तो रेडियस बढ़ जाता है, रेडियस बढ़ने से इनका साइज भी बढ़ जाता है। ठीक है, बस यहाँ पर देखिए कि समूह में नीचे जाने पर कोशों की संख्या बढ़ जाती है। यहाँ पर लिख लेना नीचे जाने पर, समूह में नीचे जाने पर क्या होता है, कोशों की संख्या बढ़ जाती है। अगर देखा एलिमेंट्स इन अ पीरियड हैव द सेम नंबर ऑफ सेल्स, और जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट मौजूद होंगे उनके सबकी क्या होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, वैसे ही एक पीरियड के अंदर क्या रहेगा, एक पीरियड के अंदर, जैसे कि इस पीरियड की बात करूं तो एक पीरियड के अंदर जितने भी एलिमेंट मौजूद होंगे उन सबका नंबर ऑफ शेल कैसा रहेगा, सेम रहेगा, कैसा रहेगा, सेम जो है रहेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ किसकी, सोडियम की, तो सोडियम के कितने शेल्स रहते हैं, सोडियम के शेल्स रहते हैं तीन सेल जो है सोडियम के रहते हैं, तो मैग्नीशियम के भी तीन रहेंगे, ठीक है, एल्यूमिनियम के भी तीन, सिलिकन के भी तीन, फॉस्फोरस के भी तीन, सल्फर के भी तीन, ठीक है, क्लोरीन के भी तीन और आर्गन के भी तीन ही जो है सेल्स जो है रहेंगे। ठीक है, तो एक पीरियड के अंदर जितने भी एलिमेंट मौजूद होंगे उन सबका नंबर ऑफ सेल कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, वैसे ही हाइड्रोजन का भी सेम है, तो इस पीरियड में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं, हाइड्रोजन है और दूसरा क्या है हीलियम, तो इनका कैसा रहेगा नंबर ऑफ सेल, एक रहेगा, क्योंकि हाइड्रोजन का एक ही सेल होता है, वैसे ही हीलियम का भी कितने सेल होते हैं, एक ही सेल होते हैं। वैसे लिथियम और बेरियम की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसके अंदर लिथियम है, बेरियम है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, तो इस पीरियड के अंदर जितने भी एलिमेंट मौजूद हैं उन सबका नंबर ऑफ सेल कैसा रहेगा, सेम रहेगा। उसके अंदर कितने सेल रहते हैं, दो सेल इनके अंदर रहते हैं, ठीक है, इसके भी दो सेल रहेंगे, फिर सभी के कितने सेल रहेंगे, दो सेल रहेंगे, क्यों, क्योंकि एक ही पीरियड के अंदर मौजूद है एलिमेंट, तो एक पीरियड के अंदर जितने भी एलिमेंट मौजूद होते हैं उन सबका नंबर ऑफ सेल कैसा रहता है, सेम रहता है। और एक ग्रुप के अंदर जब एलिमेंट मौजूद रहते हैं तो उनका जो नंबर ऑफ, तो उनका जो क्या रहता है, एक ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट मौजूद रहते हैं उनका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे देखा, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस एज वी गो डाउन द ग्रुप, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आगे दे रखा है इसमें, एलिमेंट्स इन अ पीरियड हैव द सेम नंबर ऑफ शेल्स। ठीक है, ये मैंने अभी आपको बताया था कि एक पीरियड के अंदर जितने भी एलिमेंट मौजूद होते हैं उनके पास क्या होता है, नंबर ऑफ शेल कैसे रहता है, सेम रहता है। ठीक है, यानी कि समान रहता है। किसी भी आवर्त में पाए जाने वाले सभी तत्वों में कोशों की संख्या कैसी रहती है, समान जो है सभी कोशों की संख्या होती है। ठीक, आगे दिया हुआ एटॉमिक साइज, यानी कि परमाणु का आकार, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, क्यों, क्योंकि शेल बढ़ते जाती है, शेल बढ़ने से क्या हो जाता है, रेडियस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, एटॉमिक साइज बढ़ जाता है। ठीक है, द साइज ऑफ एटम्स डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड बट इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। जब एक ग्रुप के अंदर, इसके अंदर जब एक ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम जाते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं, तो साइज कैसा होता है, इंक्रीज होता है। लेकिन जब एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, क्या होते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है। क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट जाने पर। ठीक है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, परमाणु का आकार घटता जाता है। ठीक है, लेकिन वर्ग के ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, आकार बढ़ता है। ठीक है, ये दे रखा है यहाँ पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, परमाणु का आकार घटेगा, और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ेगा। इसका उल्टा हो जाए, वर्ग में नीचे से ऊपर जा रहे हो तो क्या होगा, आकार नीचे से ऊपर जा रहे हो तो क्या होगा, आकार कम होगा। ठीक है, वर्ग में नीचे से ऊपर जाएंगे तो आकार क्या होगा, घटता चला जाएगा। वैसे ही जब हम आवर्त में दाएं से बाएं जाएंगे तब क्या होगा, आकार बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, इसका उल्टा भी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे दिया हुआ है, आगे दिया हुआ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, धात्विक और अधात्विक विशेषता। ठीक है, तो इसमें मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, जैसे साइज इंक्रीज होता जाएगा, क्या होगा, साइज इंक्रीज होता जाएगा, तो मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा, आपका जो मेटेलिक कैरेक्टर है ये भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो मेटेलिक कैरेक्टर भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे किसी भी ग्रुप के अंदर तो उसका मेटेलिक कैरेक्टर कैसा होगा, इंक्रीज होगा। इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं कि ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रहा है, सारी चीजें बढ़ती जा रही है। जब हम किसी भी ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जा रहे हैं तो साइज बढ़ता जा रहा है, साइज बढ़ता जा रहा है तो मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रहा है, धात्विक गुण बढ़ता है। क्यों, क्योंकि उनका आकार बढ़ता है इसलिए धात्विक गुण बढ़ता है।
अगर का मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब अगर किसी पीरियड के अंदर लेफ्ट से राइट जाएंगे, किसी भी पीरियड के अंदर लेफ्ट से राइट जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। जैसे साइज डिक्रीज होता है लेफ्ट से राइट जाने पर, वैसे ही मेटालिक कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, धात्विक गुण बढ़ता है, क्या होता है, घटता है, क्या होता है, धात्विक गुण घटता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ में क्या होता है, इसी के साथ में हमारा चैप्टर जो चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। और इसके जो नोट्स हैं वो आपने बना लिए होंगे, या फिर इसका जो ये PDF है इसको आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। आप टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से भी आप क्या कर सकते हैं, इसकी PDF जो है ले सकते हैं। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा मैं वीडियो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर चैनल को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।